हेलो दोस्तों, नमस्कार। अशोक किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छेदार पराठे। तो हमने गेहूं का आटा लिया है, जिसे छलनी से छान लिए हैं दोस्तों। अब आइए, इसमें आधा चम्मच हम नमक डालेंगे दोस्तों, स्वाद अनुसार अजवाइन डालेंगे थोड़ा सा, और इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब आइए, आटे को हम गूंद लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो आटे को हमने अच्छी तरीके से गूंद लिया, आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम ऊपर से तेल लगा देंगे हाथ में करके, पराठे बनाने के लिए बिल्कुल आटा बिल्कुल तैयार है दोस्तों। लच्छेदार पराठे बनाने के लिए हमने, आप देख सकते हैं, इस तरीके से लोई लिया है आटे की। अब इसको इस तरीके से हम बिल्कुल गोल आकार में कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा आटा लगाएंगे, इसको बेल लेंगे। ये देखिए, इसमें अब ऊपर से घी लगा देंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से लग जाना चाहिए। अब इस तरीके से कटिंग करेंगे इसे। ये देखिए, इसे हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से इसे इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये बराबर कर लेंगे इसे, और इसे फिर घुमा के इसे गोल आकार में करेंगे, और इसे फिर दबा देंगे। थोड़ा सा आटा लगाएंगे ऊपर से, इसे बेलेंगे। पराठे को इस तरीके से बेल लेंगे। पराठा हमारा बिल्कुल बनके, देख सकते हैं आप, बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरीके से हम बाकी पराठा बना लेंगे। ये देखिए, तो सभी पराठे हमने बना लिए हैं। अब आइए, इसे सेंक लेते हैं दोस्तों। गैस को हमने जला दिया है और तावा हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब आइए, पराठा हम बना लेते हैं। घी लगाएंगे, पराठे को दोनों तरफ से उलट पुलट कर सेकेंगे। तो दोस्तों, लच्छेदार पराठे बिल्कुल बनके तैयार हैं। इसी तरीके से बाकी पराठे हम बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, लच्छेदार पराठे हमारे बनके तैयार हैं। काफ़ी बेहतरीन बना हुआ, खाने में बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। ये देखिए कितना बेहतरीन बना हुआ, आप देख सकते हैं। तो इसे चाहे अचार के साथ खाइए या सब्जी के साथ खाइए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। इस तरीके से बनाएं, परिवार और बच्चों के साथ मज़े से खाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।